ड्रग्स को नहीं करना है। सरकार ने इसको इसलिए पाबंदी लगाया इस पे क्योंकि इससे नो रिटर्न है। आप एक बार ड्रग्स कर लिया तो मुश्किल है। अगर आप में से कोई टेस्ट कर लिया है तो आप मुश्किल में हैं, और जिसने टेस्ट नहीं करा है तो सोचो मत कि कभी मैं टेस्ट भी करूंगा करके। ड्रग्स का ऐसा है, यू डू इट वंस, यू डू इट ट्वाइस, ट्राइस एंड देन यू आर एडिक्ट। आप तीन बार कर लिया तो आप एडिक्ट ही होगा, आप फिर उसके बाद वापस नहीं आ पाएगा। तो ड्रग्स से दूर रहना है। ड्रग्स में क्या क्या है? ड्रग्स कोकेन है, हीरोइन है जो हमारे यहाँ पे उपलब्ध है, और कुछ टेबलेट्स वगैरह है जो फार्मेसी में भी मिलता है, नॉर्मल फार्मेसी में, जिसको हम लोग मिसयूज करके उसको हाई अपने में वो हाई लेने के लिए, वो नशा लेने के लिए उसको गलत इस्तेमाल करता है, वो भी है। और हस अफीम जो भांग लेता है वो भी है। तो इनसे दूर रहना है, इनको करना नहीं है, क्योंकि वो एक बार करने के बाद शायद ही आप वापस लाइफ में आ पाएगा। तो टेस्ट नहीं करना है। अगर आपको किसी को पता है कि कोई मेरा दोस्त, अच्छा दोस्त या क्लासमेट्स कोई ड्रग्स करता है, तो बेस्ट ऑप्शन आपका ये है कि आप उसका पेरेंट्स को जाके बता दें, ये चुगली नहीं होगा, ठीक है, आप उसका भला कर रहा होगा। और आप में से कोई करता हो, अभी रिसेंटली शुरू किया हो, तो आप भी अपने पेरेंट्स को बताएं कि हम में से करा था, हमको इंटरवेंशन का जरूरी है करके। आप थाने में आओ, हम भी आपको जेल नहीं डालेगा उसके लिए। अगर आप खुद आके, हम अभी रिसेंटली शुरू किया है, हमको इंटरवेंशन का जरूरी है, अगर ये बताता है आप, तो आपको हम रिहैब के लिए काउंसिल करेगा। ड्रग्स ऐसा चीज है जहां पे बीमारी को खुद पता नहीं है कि वो बीमार है करके। तो इसलिए ड्रग्स क्या करना है, ड्रग्स से क्या करना है, ड्रग्स से दूर रहना है।